हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम अपना लास्ट लेसन इस बुक का कवर करने वाले हैं और इसके बाद ये बुक हो जाती है कंप्लीट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। आपको भी शायद मज़ा आया होगा इस बुक को कंप्लीट करने में, ठीक है। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, बुक का कोड है MPC E046। फर्स्ट से लेकर हम लगभग लास्ट चैप्टर तक सभी कवर कर चुके हैं। एक दो चैप्टर हमने स्किप किया है, वो आप खुद कर सकते हैं या फिर हम डेफिनेटली उन पर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, हमारा लेसन 17, जिसका नाम करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन इन पॉजिटिव साइकोलॉजी है। इसमें भी दो ही टॉपिक है, करंटली क्या चल रहा है और इन फ्यूचर कैसे कैसे चेंजेस साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेकर आ सकते हैं, ये सभी आप जान जाएंगे, ठीक है। तो हमने शुरू से लेकर अब लास्ट तक क्या किया, एक बार हम इसको ओवरव्यू लेते हैं, फिर शुरू करेंगे इस वीडियो को, ताकि आपको भी एक बार पता चल जाए या जो बच्चे सिर्फ लास्ट वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ, ये वीडियोस हमें जो कवर कर चुके हैं। तो चलिए बताते हैं, शुरुआत में हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था उसमें हमने फाउंडेशन की, क्या की, फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी की फाउंडेशन में आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। सबसे पहले आपने जाना कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कहाँ फोकस करती है, पॉजिटिव इफेक्ट पर, पॉजिटिव इमोशंस पर, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने किया भाई रिसर्च मेथड एंड असेसमेंट, ये हमने इंट्रोडक्शन किया। फिर हमने रिसर्च मेथड की और असेसमेंट की पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो जो यूज होंगी, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का, अभी के लिए हमने स्किप किया, लेकिन डेफिनेटली हम उन पर रिक्वेस्ट आने पर वीडियोस जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी उन पर कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर था जो हमारा, वो था कैरेक्टर स्ट्रेंथ से रिलेटेड। आपने आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ या फिर आपने अपने कैरेक्टर को या अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होपफुली सीख लिया होगा, क्या क्या स्ट्रेंथ आप में है, या इंटरव्यू के दौरान आप क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना। हमने इन सभी टॉपिक्स पर बात की थी कैरेक्टर स्ट्रेंथ के लेसन में। लेसन फोर्थ में हमने कैरेक्टर स्ट्रेंथ में इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ को भी समझा विद वेलबींग, ओके। लेसन फाइव में हमने कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू, जहां पर इंट्रा पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वेलबींग को कवर किया, ठीक है, जहां पर हमने BIA, सिम्पटन, सर्च इंस्टीट्यूट, ओपोर्टिज स्ट्रेंथ, है ना, ये सभी हमने डिस्कस कवर कर चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब बात आती है भाई सेकंड ब्लॉक में हमने क्या किया। सेकंड जो ब्लॉक था वो था भाई पॉजिटिव इमोशनल स्टेट, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट एंड प्रोसेसेस। अब भाई इमोशनल है, इमोशन से जुड़ा है, तो हमने इफेक्टिव प्रोसेस वाला चैप्टर कवर किया जो हमारा सिक्स्थ लेसन था। सेवन चैप्टर हमने हैप्पीनेस के रिगार्डिंग किया, है ना, हैप्पीनेस का नाम ही चैप्टर का हैप्पीनेस था, हमने सारी हैप्पीनेसेस को समझा, ठीक है, यूडोमोनिक, यूडोमोनिया, इन सभी हैप्पीनेस के मोड्स को समझा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को, ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ब्लॉक भी हमारा कवर हो चुका है। थर्ड ब्लॉक की बात करें तो पॉजिटिव कोग्निटिव, क्या, कोग्निटिव स्टेट एंड प्रोसेसेस, समझ पा रहे हैं। सेकेंड में हमने इमोशनल, या हम कहें इमोशंस को समझा, जिसमें इफेक्टिव और पॉजिटिव हैप्पीनेस को समझा। थर्ड में हमने कॉग्निटिव स्टेट को समझा। अब कॉग्निटिव स्टेट में क्या क्या आता है, जैसे कि रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म एंड होप, और कुछ है सेल्फ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड फ्लो एंड माइंडफुलनेस। तो ये सभी हमारे कॉग्निशन से रिलेट करते हैं, है ना। तो ये सभी हमने थर्ड ब्लॉक में कवर किया। अगर हम फोर्थ ब्लॉक की बात करें तो फोर्थ ब्लॉक में हमने एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या किया, एप्लीकेशन कौन कौन से हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, ठीक है। अब ये हमने स्कूलिंग, पॉजिटिव स्कूलिंग के बारे में स्टडी किया, पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में स्टडी किया, वर्क प्लेसेस के बारे में स्टडी किया, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली, एजिंग, इन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया, है ना। अब जो फिफ्थ ब्लॉक आ जाता है हमारा, जो कि ये लास्ट ब्लॉक जो अभी चल रहा है, ये लास्ट वीडियो है, वो थी भाई पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन, ठीक है। अब इंटरवेंशन में जो चैप्टर किया हमने, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, योगा एंड मेडिटेशन एंड करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली, है ना।
तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा चैप्टर हमने स्किप किया, या फिर मैंने भी बताया जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर को भी स्किप किया है, कि आपको एक चैप्टर और मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश की है कि लगभग सारे चैप्टर्स कवर करते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दिस इज अंकुश श्रीप्रांत, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड गोल्स एंड स्कोप, क्या कहती है पॉजिटिव साइकोलॉजी? अब देखिए ये जो ओवरव्यू मैंने प्रोवाइड किया है ना, क्या क्या हमने किया, ये अब आपकी हेल्प करेगा इन इन टॉपिक्स को समझने के लिए। हम मैंने क्या बताया, हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहेगी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया, इतना इजी है। इस चैप्टर के आपको नोट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहता हूँ आप नोट्स ही ना लीजिए, सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है जो आप यूज कीजिए, और फिर आप क्या करेंगे उनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और ऊपर वाले सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद इस चैप्टर के आपको नोट्स लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। अब कोई तो कहता है कि आप नोट्स लो, हम नहीं चाहते कि आप नोट्स लो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप है जो नोट्स लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन टेक नोट्स, अदरवाइज यू डिड नॉट नीड टू टेक नोट्स, अंडरस्टैंड। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड गोल्स स्कोप क्या कहती है, तो चलिए थ्योरी को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहेंगे। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसका फोकस कहाँ होता है, प्रमोटिंग पॉजिटिव इमोशंस, स्ट्रेंथ, फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हमारा ओवरऑल जो अल्टीमेट गोल है पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी करने का, वो पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस डालना और ह्यूमन को एक फ्लरिशिंग लाइफ प्रोवाइड करना, फुलफिलिंग लाइफ प्रोवाइड करना, एक मीनिंगफुल लाइफ प्रोवाइड करना, या कहें वेल बीइंग अल्टीमेट हमारा मोटिव है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा जो मेन मोटिव है वो पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करना है ना, हम ह्यूमन की स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहे हैं, हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये सभी है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा जो हमारी प्रीवियस, जो हमने अभी से पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी जितनी भी पढ़ी, काउंसलिंग पढ़ा या क्लिनिकल भी पढ़ेंगे, या हमने फर्स्ट ईयर में जितनी भी बुक्स पढ़ी, वहां पर आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं आपको हमारी मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स या अनहेल्दी लाइफ पर ज्यादा फोकस किए गए हैं, है ना। तो वो सभी बुक्स हमारी हेल्प करती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जो चीजें हमारे अंदर सही नहीं है, जो हमारा बिहेवियर प्रॉपर सही नहीं है। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी बिल्कुल अपोजिट है, ये कहती है हमें ये जरूरत ही नहीं है देखने की कि ह्यूमन के अंदर नेगेटिव क्या है, हम क्यों ना पॉजिटिव पर ही फोकस करें, उसको ही प्रमोट करें, ये कहती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड द कंडीशन प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू ह्यूमन फ्लरिशिंग एंड वेल बीइंग। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे कुछ गोल्स और स्कोप की। देखिए कितना इजी हो जाएगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको ये समझना। स्टडी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये क्या करेगी, पॉजिटिव इमोशंस की स्टडी करती है, सच एज हैप्पीनेस, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव एंड कंटेंटमेंट, सेल्फ कंपेशन, ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दीज इमोशन हेल्प अस आइडेंटिफाइंग वे टू एनहांस एंड सस्टेन देम इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, हेल्प करती है कि कैसे हमारा, हम क्या है हमारा मोटिव, पॉजिटिव इमोशंस स्टडी कर। आप समझ गए? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्चू, जो कि हमारा लेसन 4 और 5, जहां पर हमने हमारी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश की, VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्च्यू, है ना, वैल्यू इन एक्शन, क्लिंटन स्ट्रेंथ, सर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्टीज एसेट्स, आ रहा है आपको कुछ याद? अगर आपने वीडियोस देखे तो आपको ये सभी याद होंगे, समझ पा रहे हैं? सो पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प टू आइडेंटिफाई, कल्टिवेट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वर्च्यूज, इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग, बिल्डिंग ऑन पर्सनल क्वालिटीज, जिससे कि आपको रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी, प्रजर्वेंस एंड एम्पथी डेवलप करने में आपकी हेल्प होती है, और ये ऑल दीज आर द स्ट्रेंथ जो आपको जरूरत है आइडेंटिफाई करने की, है ना। नेक्स्ट वन इज द फोकस ऑन वेल बीइंग, जैसे कि मैंने बताया अल्टीमेट गोल क्या है, एनहांस ओवरऑल वेल बीइंग, जहां पर आप फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या सोशल वेल बीइंग, ये सभी पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन गोल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फिजिकल कैसे, इमोशनल कैसे, साइकोलॉजिकल कैसे, अभी तो हमने किया फिजिकल, तो हमने अभी अभी करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी के साथ इसको इंटीग्रेट करके, ठीक है। या फिर हम कहें इमोशनल, जब आपके इमोशंस ठीक होंगे, जो कि हमने इफेक्ट और हैप्पीनेस वाले चैप्टर लेसन 6 और लेसन 7 में किया,
वो इमोशनल हो गया। साइकोलॉजिकल मीन्स जो आपका माइंड ब्रेन कॉग्निशन थिंकिंग प्रोसेस साइकोलॉजिकल वेलबींग, समझ पा रहे हैं, प्रमोशन ऑफ फ्लरिशिंग, आप फ्लरिशिंग को प्रमोट करना। पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्या एम है, टू अंडरस्टैंड कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट, उन कंडीशंस को, उन एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझना जिससे कि ह्यूमन को फ्लरिशिंग लाइफ मिलती है या ह्यूमन फ्लरिशिंग की ओर जाता है। तो दिस इन्वॉल्व नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि जो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उन पर भी फोकस करना है पॉजिटिव साइकोलॉजी का एम, है ना। एप्लीकेशन इन वेरियस डोमेन, आप लोगों ने एप्लीकेशंस को पढ़ा, रिलेशनशिप, उसके बाद हमने किया फैमिली, एजिंग, वर्क, हेल्थ, इन सभी में हम इनको क्या कर रहे हैं, अप्लाई तो कर रहे हैं, ये यही तो हमने स्टडी किया। एजुकेशन में हम स्टडी करते हैं, वर्क प्लेस सेटिंग में, थेरेपीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, एप्लीकेशंस, यही तो गोल है, यही तो मोटिव है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ पा रहे हैं। कल्टीवेटिंग ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस को प्रमोट करना, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या करेगी, रेजिलियंस को प्रमोट करेगी, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाएंगे, समझ रहे हैं, तो क्या होगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं रेजिलियंस होगा। अगर आप वहां पर अपनी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को फेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आपको रेजिलियंस होगा। पीटीजी हमने पढ़ा, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, तो वहां पर भी तो रेजिलियंस होता है ना। तो रेजिलियंस हेल्प इंडिविजुअल्स बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, कोप विद चैलेंज एंड मेंटेन वेल बीइंग इन द फेस ऑफ लाइफ अप एंड डाउन। ओके, नेक्स्ट वन इज द रिसर्च ऑन पॉजिटिव इंटरवेंशन। रिसर्च, रिसर्च के चैप्टर में तो हमने किया, वही हमने अभी तक क्या नहीं किया, जितना भी मैंने बताया सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं हम पहले ही। तो इन्वॉल्व रिसर्चिंग डेवलपिंग इंटरवेंशंस एनहांसिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी, सॉरी पॉजिटिव इमोशन वेलबींग, इन सभी पर, जैसे कि ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज पर रिसर्च कर सकते हैं, माइंडफुल प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस पर रिसर्च कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरवेंशन पर रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑन वेलबींग नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑन वेलबींग। अब ग्लोबल परस्पेक्टिव का क्या मीनिंग है भाई, पॉजिटिव साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज द कल्चरल एंड ग्लोबल वेरिएशन। अब जो किसी का आपको लगता है ना कि कल्चरल डिफरेंस भी किसी की पॉजिटिव इमोशन पर इफेक्ट डालता है, किसी की कल्चर में कोई चीज़ आपको बेहतर नजर आती है, किसी के कल्चर में आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं कल्चरल या हम कहीं ग्लोबल वेरिएशन, जो वेरिएशंस पाई जाती हैं, वो अफेक्ट करती हैं एक ह्यूमन के वेलबींग को। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का मानना है कि हम सिर्फ एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पर ही नहीं, बल्कि उन कल्चर्स कंटेक्स्ट पर भी फोकस करें, उनको प्रमोट करें, समझ पा रहे हैं। अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज डिफाइन एंड अचीव हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, कब कर पाएंगे, जब हम उनके कॉन्टेक्स्ट को, कल्चर को समझेंगे, वहां पर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, तब वहां पर भी हैप्पीनेस वेलबींग आपको देखने को मिलेगी। इंटीग्रेशन विद अदर फील्ड, अब अलग अलग फील्ड्स में आप इंटीग्रेशन तो करेंगे ही, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, न्यूरो साइंस, जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है जो ह्यूमन को अल्टीमेट वेलबींग प्रोवाइड करवाएगी। तो दीज आर द स्कोप एंड गोल्स आप राइट कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आपको लगता है कि ये कम है ना, आपको लगेगा, शायद मुझे लगता है कि आपको ये भी लगेगा कि ये कम है भाई, इतने से लिखने पर कैसे कोई आपको 10 या 15 मार्क्स देगा, तो फिर आप क्या कीजिए, इनमें एग्जाम्पल ऐड कीजिए। अब यही आपका होमवर्क है इन नोट्स को लेने के बाद, कि आप इनमें एग्जाम्पल कैसे ऐड करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको एग्जाम्पल समझाया, हालांकि मैंने अभी भी काफ़ी कोशिश की है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, और होपफुली आपको शायद समझ आ भी गया होगा। यू कैन गिव अस फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट टू गिव, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथीसिस मॉडल, ये जरूरी भी है और आपको समझना भी चाहिए भाई, इंटरेस्टिंग भी है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, इन्होंने ये दिया कॉन्सेप्ट, या ये मॉडल इन्होंने दिया, क्या कहता है ये मॉडल, देखिए इंटरेस्टिंग मॉडल है, एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एग्जाम्पल से क्या समझते हैं। देखो आप मान लीजिए आप एक रिसर्चर हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, स्क्रीन टाइम, ओ मैंने अभी कलर चेंज किया था, हुआ नहीं आई, स्क्रीन टाइम, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीन टाइम का इफेक्ट कहाँ देखा, बच्चों के मूड पर या उनके हेल्थ पर, आप कह सकते, जैसा भी आप समझना चाहें, ठीक है। अब यहां पर एक हो गया हमारे पास स्क्रीन टाइम, एक हो गया चिल्ड्रंस का मूड और हेल्थ, ठीक है, समझ रहे हैं। आपने एक थीसिस दी, समझ
समझ रहे हैं, कोई सेकंड ईयर में जैसे डेजर्टेशन होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, थीसिस होती है, आपको कुछ लिख के देना होता है, ठीक है। मान लीजिए आप रिसर्चर हैं, तो आपने क्या दी, अपनी एक थीसिस वहां पर पेश की। हाँ भाई, अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है ना, तो बच्चों के मूड पर इफेक्ट होता है, हेल्थ पर इफेक्ट होता है, आंखें खराब हो जाती है, इस तरह की बातें आपने दी, ठीक है। तो इसको कहा गया भाई थीसिस। अब आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, एक पर्सन ने कहा भाई ये चीज सही नहीं है, ये गलत है। गलत मीन्स उन्होंने कहा कि जब स्क्रीन टाइम, ST लिख देते हैं इसको, स्क्रीन टाइम हमारा इंक्रीज होता है ना, तो वहां पर क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, या फिर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, इस तरह के उन्होंने पॉइंट रखे आपसे किसी अदर पर्सन ने, आपके क्लासमेट या क्लासमेट ने, ठीक है। तो आपको ये क्या दी, ये सेकेंड थीसिस दी, ठीक है। अब आप ये देखिए, जिसने पहला आइडिया जो आपने खुद दिया वो था भाई स्क्रीन टाइम अगर बढ़ता है ना, तो बच्चों का मूड या फिर हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ देखने को मिलती है, आपने दिए थीसिस। तो मतलब फर्स्ट आइडिया, यहाँ पर क्या लिखा है, इनिशियल आइडिया, फर्स्ट आइडिया, पोजिशन और स्टेटमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट और स्टेटस को, दिस इज आइडिया असर्टेड एंड सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये जो पहला आइडिया जो कि फर्दर एक्सप्लोरेशन की फाउंडेशन नींव बनेगा, वो आइडिया थीसिस कहलाएगा, ठीक है। अब सेकंड पर्सन ने क्या किया, आपकी क्लासमेट ने क्या किया, इसी आइडिया में हेर फेर कर दिया, मतलब जस्ट अपोजिट आइडिया दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। कैसे कॉन्सेप्ट यही है, उसने कहा कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से ना क्रिएटिविटी बढ़ती है, एजुकेशन में एनहांस होता है, बच्चे एजुकेशन रिलेटेड गेम खेल सकते हैं, है ना, उन्होंने ऐसा पॉइंट दिया। आपको लगता है ये कहीं बिल्कुल अपोजिट है ना, कहीं तो बैड इफेक्ट आपके हेल्थ पर पड़ रहा है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं एक तरफ आपका फ्रेंड कह रहा है कि क्रिएटिविटी है, तो बिल्कुल अपोजिट, तो इसको क्या कहेंगे, एंटीथीसिस कहेंगे। समझ पा रहे हैं इसको क्या कहेंगे, एंटीथीसिस। अब जो एंटीथीसिस, आपने थीसिस देख ली, एंटीथीसिस देख ली, हम दोनों के बीच में तकरार होगा, प्रॉब्लम आएगी, भाई अब किसको कंसीडर करें। इन दोनों को मिलाकर जब एक नई थीसिस मिलती है कि भाई ना तो ज्यादा कंजप्शन से, कंजप्शन नहीं कहेंगे हम यहाँ पर इसको, ज्यादा स्क्रीन टाइम कहेंगे, जो आपके घंटे हैं आज, आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा, या जितना कम करेंगे उतना आपकी एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंथेसिस कहती है भाई आपको बैलेंस करना होगा, मतलब दोनों को, एंटीथीसिस और थीसिस, दोनों को कंबिनेशन से जो थियरी आपने निकाली वो सिंथेसिस कहलाएगी। समझ गए, आपको कितना ईजी था, है ना, सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझना है। अब देखिए, एग्जाम में मान लीजिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, आप ऐसा कंसिडर करते हैं, तो आप ये सभी पढ़िए, ये सभी लिखिए, और फिर एग्जाम्पल भी लिखिए, ताकि एग्जामिनर को लगे अरे वाह, हाँ इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो सिंथेसिस क्या होगी, रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस, इट इन्वॉल्व कॉम्बाइनिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ अपोजिंग आइडियाज टू क्रिएट ए न्यू मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिफाइंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, एक इनिशियल आइडिया होगा, एक जस्ट अपोजिट आइडिया होगा उसके, और दोनों को मिलाकर सिंथेसिस कुछ नया प्रिपेयर होगा, ओके। अब कोरी कीज ड्यूल कॉन्टिन्यूम मॉडल, आपको लगता है मुझे दोबारा करवाने की जरूरत है, आपको लगता होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद आपको भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको अभी मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है तो उसको समझ आ जाए, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कोरी क्यूज ड्यूअल कॉन्टिन्यूमा मॉडल इसी में ही है भाई, कोरी कीज है ना जो, ये तो भी साइकोलॉजिस्ट का नाम है, ठीक है, कोरी कीज, सॉरी क्यूज बोल रहा था मैं, कीज, ठीक है। और ड्यूअल कॉन्टिन्यूमा मॉडल क्या कहता है भाई, कोरी ने क्या किया, मेंटल हेल्थ, एक सेकेंड, कलर चेंज, मेंटल हेल्थ दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड मेंटल इलनेस दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। अब दो टर्म यहां पर है, मेंटल हेल्थ है और मेंटल इलनेस है। ऐसा कंसीडर किया जाता था कि एक ही सिरे के दो पहलू हैं, या हम कहें एक ही लाइन के दो एंड हैं, कि यहां पर मेंटल हेल्थ रख दिया भाई, यहां पर मेंटल इलनेस रख दिया, है ना। तो कोरी कीज ने बताया कि आर नॉट अपोजिट एंड ऑफ द सेम कॉन्टिन्यूम, एक ही लाइन के दो पॉइंट ये नहीं हैं, बल्कि टू सेपरेट कॉन्टिन्यूज हैं। टू सेपरेट कॉन्टिन्यूज कैसे, मान लीजिए ये आपने मेंटल हेल्थ कंसीडर कर लिया और ये मेंटल इलनेस कंसीडर कर लिया, और यहां पर आप देखेंगे ये लेवल आप हाई कंसीडर
कंसीडर करेंगे कि मेंटल हेल्थ जिनका जिन पर्सन का हाई है या मेंटल हेल्थ जिन पर्सन का लो है। ऐसे ही यहाँ पर जिन पर्सन का मेंटल हेल्थ आप लो कंसीडर करेंगे और जिन पर्सन का मेंटल हेल्थ यहाँ पर हाई कंसीडर करेंगे, मीन्स दोनों में हाई और लो है। अब जिन पर्सन जो यहाँ पर लाई करते हैं उनकी लाइफ फ्लरिशिंग होगी, कोई भी किसी भी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही कोरी कीज ड्यूअल कॉन्टिन्यूम मॉडल कहता है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस एक कॉन्टिन्यूआ के दो पार्ट नहीं है, बल्कि ये दो सेपरेट कॉन्टिन्यूआज हैं, जिसको आप इस ग्राफ से, आप कह सकते हैं फोटो से, पिक्चर से आप समझ पाएंगे। देखिए, लो मेंटल इलनेस, ये मेंटल इलनेस है जैसा कि मैंने ऊपर बनाया, बिल्कुल सेम है, ये मेंटल हेल्थ है, ठीक है। यहाँ पर हाई है, देखिए आप, यहाँ पर हाई है, ठीक है, और यहाँ पर मेंटल इलनेस लो है, मेंटल हेल्थ सॉरी, यहाँ पर मेंटल इलनेस हाई है, मीन्स मेंटल इलनेस होना कि कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर से ग्रसित है बच्चा, उससे सफर कर रहा है, यहाँ पर मेंटल इलनेस लो है। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो ये पोर्शन है ना, ये हाई हाई है भाई, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाई हाई है ना। तो समवन हु हैज डायग्नोस ऑफ ए सीरियस मेंटल इलनेस बट एक्सपीरियंस ए हाई लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग, जिनको मेंटल वेलबींग है लेकिन मेंटल इलनेस भी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेंटल इलनेस भी है और मेंटल हेल्थ भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर इस तरफ आ जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे, समवन हु एक्सपीरियंस ए हाई लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग, इसका मेंटल वेलबींग पूरा है लेकिन मेंटल इलनेस भी नहीं है, दैट मीन्स वो कौन सी लाइफ जी रहा है, फ्लरिशिंग लाइफ, कंप्लीट मेंटल हेल्थ है वहां पर, समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो वहां पर आपको लैंग्विशिंग मतलब इनकम्प्लीट मेंटल हेल्थ आप कह सकते हैं, फ्लाउंडरिंग कंप्लीट मेंटल इलनेस जो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी नहीं होगा और मेंटल इलनेस भी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। आप इनको देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी ब्रीफली वीडियो में बना चुका हूँ, मैंने इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, ओके। अब बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, ट्रेंड्स इन रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, या आप कहें फ्यूचर डायरेक्शन पॉजिटिव साइकोलॉजी कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। मेरा वो सेम सेंटेंस, अगर आपको लगे ये कम है तो आप इनमें एग्जाम्पल जरूर ऐड कीजिए, ठीक है। लेकिन समझाने के प्रस्पेक्टिव से आई थिंक ये सफिशियंट है। पॉजिटिव साइकोलॉजी को जब हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया ना, तब हमने देखा पॉजिटिव साइकोलॉजी सिर्फ कहाँ पर फोकस कर रही थी, पॉजिटिव इमोशन पर, ठीक है, ओनली पॉजिटिव इमोशन पर। किसने किया, मार्टिन सेलिगमन ने, आपको याद है। लेकिन मैंने क्या बताया था, पॉल वोंग, PP2, पॉजिटिव साइकोलॉजी वेव टू, जिन्होंने फोकस किया वी नीड टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ अवर लाइफ, अंडरस्टैंड कि हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं भाई, सिर्फ पॉजिटिव इमोशन से हम खुश नहीं रह सकते जब तक हम अपनी लाइफ की नेगेटिव एंड को या नेगेटिव साइड को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, नहीं उसको फेस करेंगे, वी कांट अटेन ऑथेंटिक हैप्पीनेस, ऑथेंटिक या फुलफिलिंग लाइफ या मीनिंगफुल लाइफ है जो हम नहीं लीव कर सकते, समझ लीजिए पॉल वोंग ने कहा। तो मूविंग बियॉन्ड PP2, जो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से आप कहीं दूर चले थोड़ा सा, पॉल वोंग कहते हैं, जो PP2 है, पॉजिटिव साइकोलॉजी वेव टू, ये मानती है कि हैप्पीनेस एज ए वैल्यूएबल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग, बट एम्फेसाइज ए ब्रॉडर परस्पेक्टिव दैट इंक्लूड एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव इमोशन, ग्रोथ थ्रू चैलेंजेस, फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ स्ट्रगल। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए लाइफ में सब कुछ हैप्पी 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 है, मान लीजिए सब कुछ ही खुश है, या फिर कहें नॉर्मल है, आपको पता ही नहीं, दो तीन पीढ़ी से ऐसा आ रहा है कि सब कुछ ओके रिपोर्ट चल रहा है, बाहर भी एनवायरनमेंट भी आपका सारा बिल्कुल, पूरा देश पूरा वर्ल्ड शांति प्रिय है, तो देखिए आप सोच के देखिए लाइफ कैसी होगी, वही लाइफ होगी ही नहीं आई थिंक, क्योंकि स्ट्रगल ही नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी। अगर आप देखेंगे बिना चैलेंजेस के, बिना डार्क साइड के, या एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो हम कहेंगे कि मान लीजिए पूरे ही वर्ल्ड में कलर है जिसको हमने रेड कलर बोल दिया भाई, ठीक है, सब कुछ रेड है, आपके खाने का सामान, रहने का सामान, आप नहा भी रेड रेड कलर के पानी से रहे, आपको पता ही नहीं दूसरा कोई कलर है, तो क्या आप कैपेबिलिटी है आप में किसी सेकंड कलर को आइडेंटिफाई करने की, अरे भाई ये भी कोई कलर है, पेड़ पौधे इंसान जितने भी डॉगी कैटी जो भी आप लोग रखते हैं, है ना, तो वो सभी भाई रेड हैं, तो आप लोगों को दूसरे कलर का पता ही नहीं होगा। तो पॉल बॉम कहते हैं कि आपको डार्क साइड जब आप उनसे फेस करेंगे
ठीक है, तो आपकी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल आपको देकर समझाने की कोशिश करते हैं। हमने स्ट्रेस के चैप्टर में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के चैप्टर में समझा था कि ऑप्टिमल स्ट्रेस जरूरी है इसके लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, एक स्ट्रेस जरूरी है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, जैसे कि एग्जाम में हमें स्ट्रेस जरूरी है ताकि हम बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए। अगर आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा तो आपको जरूरत ही क्या है पढ़ने की, है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है हैप्पीनेस से थोड़ा सा आप पीछे हटिए, डार्क साइड को देखिए, फिर आपको ऑथेंटिक हैप्पीनेस का पता चलेगा। अच्छा, है ना, अमीर वाला एग्जांपल याद है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़िए। ठीक है, तो डायलैक्टिकल अप्रोच अब क्या कहती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस, इट एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल नेगेटिव चैलेंजेस एंड इंटीग्रेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डायलैक्टिक अप्रोच, जैसे कि हमने ड्यूअल कॉन्टिन्यूमा पढ़ा, ऐसे यहां पर भी दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस करने से कुछ भी नहीं बनने वाला भाई, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बैलेंस करना होगा, तभी आपके अंदर रेजिलियंस बिल्ड होगा, तभी आप वेलबींग को अटेन कर पाएंगे। फोकस ऑन कंटेक्स्ट, फोकस ऑन कंटेक्स्ट मीन्स यहाँ पर PP2 पोलवॉम कहती है कि हमें कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल इनइक्वालिटीज, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, जो किसी की भी एक पर्टिकुलर गुड लाइफ को इम्पेक्ट करती है। अगर आप एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए सोशल इनइक्वालिटीज, आपको आपकी लाइफ के हर एक कदम पर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा है, आपके साथ हमेशा भेदभाव होता है ना, तो कैसे आप एक अच्छी लाइफ को अटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उनसे फेस करते हैं, जैसे कि BR अंबेडकर, जिन्होंने ऐसे काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया और अत्यंत है अंततः, या हम कहें एट द एंड, उन्होंने भारत का संविधान को लिखा, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं उनकी लाइफ में जो कंटेंटमेंट होगा, पर्पस होगा, वो कितना अलग है एज कंपैरिजन टू जो लोग खुश थे, है ना। उनके साथ वाले जो सहपाठी थे तो वो कितने खुश हुआ करते थे उनको तंग करने के बाद। तो फोकस ऑन कंटेक्स्ट, तो PP2 कहती है एक्सप्लोर हाउ टू प्रमोट द वेलबींग इन डाइवर्स कंटेक्स्ट। आप अलग अलग डाइवर्स कंटेक्स्ट में, जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड में, पॉजिटिव साइकोलॉजी वेलबींग को कैसे प्रमोट करेंगे, ये PP2 कहती है ना। नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस कैसे, पॉजिटिव साइकोलॉजी का कहां पर फोकस था कि आपके पॉजिटिव इमोशन, इंडिविजुअल रेजिलियंस यहां पर था। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी फ्लरिशिंग। कम्युनिटी फ्लरिशिंग मीन्स आप ग्रुप कोहेसिवनेस पर फोकस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कोऑपरेशन पर काम कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू कंपटीशन। समझ पा रहे हैं, जब ये तो कम्युनिटी फ्लरिश की ओर जाएगी भाई, कलेक्टिव वेलबींग, यही तो है कम्युनिटी फ्लरिशिंग भाई। समझ पा रहे हैं आप, स्ट्रेंथ को, कम्युनिटी स्ट्रेंथ को, ये ग्रुप स्ट्रेंथ क्या होती है इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इन पर आप काम कर रहे हैं, तो कम्युनिटी फ्लरिशिंग तभी कोई ग्रुप है जो फ्लरिशिंग लाइफ की ओर है ना। एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंजेस कैसे, मान लीजिए कहीं क्लाइमेट चेंज आता है, पॉवर्टी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि अभी इसराइल में इस तरह की चीज इशूज, आप कह सकते हैं ये ग्लोबल इशूज है, तो कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी काम करेगी, कैसे हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ये हम स्टडी कर सकते हैं। तो फ्यूचर ऐसा हो सकता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, है ना। पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन, पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं, थियरीज एंड इंटरवेंशन कैन बी डेवलप टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स। थियरी से, इंटरवेंशन से आप क्या डेवलप कर सकते हैं, वर्क प्लेस, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट को या वेलबींग को मेंबर्स की, आप क्या कर सकते हैं, एक अपना क्लिनिक ओपन करें शुरुआत में, है ना, फिर आप काफी सारे अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जहां पर आप जिन बच्चों को स्ट्रेस है या अपने एरिया में जितने भी, आप अपने एरिया को फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाए, सेंस ऑफ पर्पज लाइफ का दें, तो आपको क्या होगा, आप आगे आपको गवर्नमेंट भी प्रमोट करेगी ऐसा। तो पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन भी हम पॉजिटिव साइकोलॉजी थियरी से, इंटरवेंशन से बना सकते हैं। तो ये एक आइडियाज हैं जो एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको पता होने चाहिए कि आप कहाँ पर आगे काम कर सकते हैं और कितने स्कोप्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, AI पावर्ड इंटरवेंशन, AI इंटेलिजेंस का यूज कैसे कर सकते हैं हम, पर्सनलाइज्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन, टेलरिंग देम टू इंडिविजुअल नीड एंड प्रेफरेंसेस। आप लोगों ने देखा है कि आजकल AI क्या करती हैं, लोगों के इमोशंस को पढ़ना शुरू कर रही है। देखा है आप लोगों ने, आई थिंक कुछ टेक जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, तो रोबोट्स के अंदर जितना तेजी से चेंजेस आ रहे हैं,
वो आप लोग जैसे कि अब चैट जीपीटी हुआ, बार्ड हुआ, परप्लेक्सिटी हुआ, इस तरह के कुछ एआई टूल्स हैं, है ना, जो ह्यूमन के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वर्चुअल रियलिटी, आप लोगों ने अगर वो यूपीएससी का एक वेब सीरीज देखा होगा ना, मैं ये नहीं कहता कि आप देखिए, लेकिन अगर आपने देखा है तो मैं वैसे बता देता हूँ वर्चुअल रियलिटी वीआर एप्लीकेशंस क्या करते हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस में आप अगर सोचेंगे कि हाँ ये पर्सन मेरे सामने है, या आप जब दो पर्सन आमने सामने बात या फोन पे बात करते हैं तो आपके सामने एक वर्चुअल क्लाइमेट तैयार हो जाएगा। आप उसको एज अ कार्टून की तरह देख पाएंगे या आप ऐसे इमेजिन कर पाएंगे, तो वो आपके इमोशंस में, मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, कोई किसी से मिलना चाहता है, किसी से बात करना चाहता है, तो कितना हेल्पफुल रहेगा एक पर्सन की वेलबींग को उसको ठीक करने के लिए, समझ पाए। तो वीआर वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन प्रमोट पॉजिटिव इमोशंस, समझ पा रहे हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट इज द डिजिटल माइंडफुलनेस टूल। टेक्नोलॉजी हमें कल्टीवेट करने में हेल्प करती है कि हम क्रिएटिव टूल्स बनाएं, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रमोटिंग पॉजिटिव। अब आप इसको ना हेल्थ साइकोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, एआई को, फिर एआई से हेल्थ को, हेल्थ को पॉजिटिव साइकोलॉजी। मान लीजिए एआई की हेल्प से हमने क्या किया, हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया जिससे कि हमने फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग वाले कुछ उसमें कार्टून डाल दिए, है ना। अब लोगों को हमने कहा आप इनको यूज़ करें, आपका स्ट्रेस कम होगा। अब उन लोगों ने उनको यूज करना शुरू कर दिया तो क्या हो रहा है वहां पर, वो ब्रीदिंग कर रहे हैं उनको देखकर। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वेट लॉस के एप्लीकेशंस काफी बंदों के फोन में आपको देखने को मिलेंगे, तो हेल्दी हेल्दी होंगे ना उनके फोन में वेट लॉस के। कैसे, आप जो हम कहें कि एडोलेसेंट्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनके फोन में कैसे हम जिम करें घर पर ही सामान तैयार करके, ऐसे कुछ है ना, तो इंस्ट्रूमेंट बनाए भाई, तो वो सभी क्या है, बंदे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। नेक्स्ट वन इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी फिजिकल हेल्थ आ गया, तो माइंड बॉडी कनेक्शन, कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन कैन इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ आउटकम लाइक स्ट्रेस रिडक्शन, इम्प्रूव इम्यून फंक्शन एंड फास्टिंग हीलिंग। आपको नहीं लगता कि अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, तो आपका फिजिकल हेल्थ प्रमोट होगा? लगता नहीं आपको? आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा, आप चैलेंजेस से इजिली फेस कर पाएंगे उनको, या बाउंस बैक आप जल्दी कर पाएंगे किसी भी लाइफ के चैलेंजेस से। पॉजिटिव हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी क्या करती है भाई, पॉजिटिव हेल्थ साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती कि आपको सिर्फ कोई बीमारी ना हो, कि आप डिसीज फ्री हो तो आप इसका मतलब यू आर हैप्पी एंड हेल्थी पर्सन, नहीं। अगर आपको कोई डिसीज नहीं है तो हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो सकता है कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, तो पॉजिटिव हेल्थ साइकोलॉजी प्रमोट करती है फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एजुकेशन, एजुकेशन में अब आप ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, टीचर वेलबींग और पॉजिटिव एजुकेशन प्रोग्राम, ये आप लोग खुद इतने समझदार हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने कुछ शायद फील किया हो कि जब से हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, कुछ हैप्पी होने के रीजंस को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। तो पॉजिटिव एजुकेशन प्रोग्राम कैसे ह्यूमन को वेलबींग की तरफ लेके जा रही है, कैसे उसको प्लेजर मिल रहा है, कैसे वो वेलबींग की तरफ जा रहा है, हम कह सकते हैं उसको स्ट्रेंथ का पता है, वीकनेसेस का पता है, वीकनेसेस पर काम कर रहा है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी लाइफ में कंप्लीट चेंज आप देख पा रहे हैं। अगर आपने इन चीज़ों को लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाया है तो आप इन पॉइंट्सों को आपको बताने की ज़रूरत है। अगर टीचर वेलबींग की बात करें तो आई एम फीलिंग दैट, जब मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव इमोशंस को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें फील करता हूँ, तभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं भाई एट द टाइम। तो टीचर वेलबींग के लिए भी पॉजिटिव साइकोलॉजी कितनी हेल्पफुल है, और अगर आप दोनों को प्रैक्टिकल स्कूल में अप्लाई करना चाहें, कि आप सोचें कि हाँ मैं अभी जैसे कि न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं +1 +2, सो आप स्कूल्स में जा सकते हैं, प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स से आप परमिशन ले सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, उनसे उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, एक टीचर वेलबींग, आप टीचर से बात कर सकते हैं, हाउ टू डील स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स में एंजाइटी कम की जाए, कैसे आप टीचिंग के मेथड को चेंज कर सकते हैं, तो ऑल दीज आर सम टेक्निक्स विच यू कैन यूज इन द स्कूल्स और प्रैक्टिकल लाइफ, अंडरस्टैंड। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको यहाँ लगता है कि हमें कुछ और ऐड करना है, देन यू कैन ऐड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स इन योर एग्जाम्स, अंडरस्टैंड। तो MPCE 046 Lesson 17 अप्रोक्सीमेटली कवर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा,
और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो अभी तक आप यहां तक आ गए हैं तो ऑब्वियस है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगा है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट बुक से। हम क्लिनिकल साइकोलॉजी यहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे, कि आपकी एग्जाम से पहले उन बुक्स को कंप्लीट कर दिया जाए और कुछ इसी इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ाने की कोशिश करते रहें, कुछ सीखने और सिखाने की आपको कोशिश करते रहें। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे में हमें करना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम डेफिनेटली उन पर काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।